हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको चार ऐसे ठोस सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जो अगर गर्भवती महिला में नज़र आते हैं तो इसे 99% तक आइडिया लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में पलने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। ये पुराने ज़माने से बहुत ही ज़्यादा प्रचलित लक्षण है, काफ़ी ज़्यादा सही भी साबित होते हैं। तो आप अपने से मैच करके देखें कि ये चार सिम्टम्स आप में नज़र आते हैं कि नहीं। अगर नज़र आते हैं तो आप अनुमान लगा लें कि आपको का ही होगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं। उससे पहले कहना चाहूंगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पर दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले माना जाता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही अगर गर्भवती महिला के प्राइवेट पार्ट में हल्का फुल्का दर्द बना रहता है तो ऐसा माना जाता है कि उनके गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का होगा। और अगर उनके प्राइवेट पार्ट में दर्द की कोई समस्या उनको महसूस नहीं होती है तो हो सकता है कि उनको लड़की हो। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर गर्भवती महिला के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या होती है, पूरे प्रेगनेंसी में उनके रीढ़ के हड्डी में अगर दर्द की समस्या होती है, कमर के निचले हिस्से में उनको ज़्यादातर दर्द की समस्या हो रही है, तो ये गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर गर्भवती महिला के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, तीसरे महीने के बाद से अगर गर्भवती महिला के दाहिने पैर में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, पैरों की जो नसें हैं वो चढ़ जाया करती हैं, ज़्यादातर अगर दाहिने पैर की जो नसें हैं वो चढ़ जाती है तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में एक लड़का पल रहा है। ये काफ़ी महिलाओं में ये सिम्टम देखे गए हैं जिनको कि बेबी बॉय ही हुआ है। तो ये सिम्टम अगर आप में नजर आते हैं तो इससे आप अनुमान लगाएं कि आपको लड़का ही होगा। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर गर्भवती महिला को तीसरे महीने तक कभी भी अगर हल्की सी भी ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग जिसे कहते हैं, तो इस तरह की अगर समस्या होती है तो ये भी लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण माने जाते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो ये खतरे की भी निशानी हो सकती है, ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। लेकिन अगर आपको हल्की सी ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के शुरुआत में या फिर प्रेगनेंसी के अंत में, आपको थोड़ी सी अगर स्पॉटिंग नज़र आती है तो ये लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चार सिम्टम्स अगर आप में नज़र आते हैं तो इससे आप आइडिया लगा लें कि आपको लड़का होगा। लेकिन इनका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, तो इसे 100% श्योर ना माने। हो सकता है कि आपको ये सिम्टम्स अगर आप में हो फिर भी आपको लड़की हो जाए, क्योंकि सबके बॉडी अलग होते हैं, सब में हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।